की बात सुनकर शनाया शॉक होकर उसे देखने लगी। जीजू, आप मेरी लाइफ में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। शनाया, अद्वैत एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। वो कहावत सुनी है ना, एक बिच्छू चाहे जितना भी शांत हो जाए वो कभी भी डंक मारना बंद नहीं कर सकता। क्या तुम भूल गई हो कि अद्वैत ने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या क्या किया था? आरब के ये कहते ही शनाया की आंखों के सामने वो सारा नजारा घूमने लगा जब अद्वैत कसीनो में उसे अकेला छोड़कर भाग गया था और उसकी पूरी फैमिली पर बात आ गई थी। उस इंसिडेंट के बाद आरब अद्वैत का कैरेक्टर पूरी तरह से समझ गया था। वो समझ गया था कि अद्वैत किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं है। शनाया, अगर तुम अद्वैत से शादी करती भी हो तो बहुत पछताओगी। एक कपल को हर मुश्किल, हर सुख, हर दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होता है, लेकिन अद्वैत को देखकर लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। आरब की बात सुनकर अदिति ने भी हाँ में सिर हिला दिया। हाँ शनाया, मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र।